नमस्कार, मैं दीति फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ नगरी मीडिया। राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है नागौर जिले का श्री रामदेव पशु मेला, जिसका शुभारंभ आज से शुरू हो गया। इस अवसर पर अजमेर के संभागीय आयुक्त महेश शर्मा ध्वजारोहण कर विधिवत रूप से मेले की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, IG लता मनोज कुमार, SP नारायण टोगस, पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिश्रा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन, ADM अशोक कुमार योगी, जिला परिषद के CEO सुरेश कुमार सहित पुरुष पालन विभाग के अधिकारी और पुरुष पालक मौजूद रहे। इस मौके पर अजमेर DCC महेश शर्मा ने कहा कि नागौर के रामदेव पशु मेले की लोकप्रियता आज भी कायम है। इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इस मेले में भाग लेने वाले लोग पशुपालक अभी से यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यह पशु मेला विश्व प्रसिद्ध नागौरी बेलों के लिए मशहूर है, मगर इस मेले में बेलों के साथ ऊंट भी आते हैं। इस मेले में पशुओं के साथ अन्य कई प्रकार की दुकानें व कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। इसकी लोकप्रियता के चलते हर साल यहां पर हजारों की तादाद में विदेशी सैलानी भी आते हैं। यह मेला पर्यटन की दृष्टि से नागौर जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि नागौर के विश्व प्रसिद्ध राज्य में रामदेव पशु मेले में पशु परिवहन के लिए ट्रेन चलाने के लिए आग्रह की गई थी, मगर इसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पशु मेले में नागौर नस्ल के बेलों की मजबूती और कदकाठी एवं कृषि कार्यों में उपयोग होने के कारण पशु मेले में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी बंगाल तक के व्यापारी पशुओं की खरीदारी के लिए यहां आते हैं। इस दौरान पशुपालकों और पशु व्यापारियों ने अपनी पीड़ा को बताते हुए आयुक्त महेश चंद्र शर्मा और IG लता मनोज कुमार को बताया कि यहां नागौरी नस्ल के पछाड़ों को परिवहन पर रोकने के लिए वैध तरीके से बेलों की खरीदारी ले जाने वाले पशुपालकों को रास्ते में कई जगह पर रोका जाता है और परेशान किया जाता है। इसलिए रास्ते में रूट परमिट सही और पशुपालकों को माकूल सुरक्षा मिले। आपको बता दें कि कृषि उपयोग नागौर नस्ल के बेलों को राजकीय संरक्षण देने की पहल जोधपुर रियासत के तत्कालीन नरेश उमेद सिंह ने की थी। उन्होंने कहा कि नागौर शहर में सीट मानेसर श्री रामदेव पशु मेला करवाने की शुरुआत 1940 में वहीं से की गई थी। उस साल बड़े ही भीषण काल के कारण उसे चिन्मय काल भी कहा जाता है। तब से ये मेला हर साल भारत आ रहा है, जिसमें हजारों मवेशियों की खरीदारी की जाती है। इस मेले में नागौर नस्ल के बेलों की सबसे ज्यादा अधिक मांग होती है। देखो, नागौर जिले के पशु मेले का पूरे देश में एक विशिष्ट स्थान है। जैसा पता है कि 80 सालों से भी अधिक से बहुत ही महत्वपूर्ण पशु मेला है। हम उम्मीद करेंगे कि इसकी उपयोगिता बनी रहे और सभी पशुपालकों को भी हम अच्छी सुविधाएं दे पाए नागौर में, इसका भी हम प्रयास करेंगे। हमारे जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, पशुपालन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम इनको फैसिलिटेट करने का काम करेंगे। जो भी इनकी इश्यूज हैं, समस्या है, उनका भी हम निराकरण कोशिश करेंगे। मुझे बताया है IG मैडम ने और मैंने बात की है, और जिला कलेक्टर महोदय ने भी बताया है कि हम एक यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बनाएंगे। बॉर्डर पे जो हमारे हैं उनको भी हम मैसेज करेंगे, उनके जो सत्यापन की आवश्यकता होगी तो हम यहाँ से सत्यापित करेंगे कि ये ऑथेंटिक रूप से यहाँ इस पशु मेले से जा रहे हैं, जिससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी।